प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, अर्थात मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित वने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मै। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमत क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। किसी समय उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। ऐसा एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छे नामक श्रृगालः समागच्छत। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पाँव के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृगालः अचिंत्यत। सियार ने सोचा, अहो ओह विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी, निश्चय ही इस गुफा में शेर बैठा है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धा। यह सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी, भो बिल हे मेरी गुफा, हे मेरी गुफा। किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतोऽस्ति, यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। हे मेरी गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामी इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषां गुफा स्वामिने सदा सम आह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही। अथवा साद्विधम उचते, अथवा उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पाद आदिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुथुश चाधिको भवेत। डरे हुए मन वालों की हाथों और पैरों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, गले से आवाज़ नहीं निकलती और शरीर का कंपन बढ़ जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम् आह्वयत्। शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि अर्थात गूंज से
उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया, अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्। इसके कारण दूसरे पशु भी डर गए। शिगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्। सियार ने भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोचते यो न करोत्यनागतम। जो आने वाले संकट का समाधान ढूंढ लेता है वह सुशोभित होता है, अर्थात सुखी रहता है, और जो आने वाले संकट का समाधान नहीं ढूंढता वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसी वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।